Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आकाश ग्राफिक्स के वीडियो ट्यूटोरियल में। एंड आज के वीडियो ट्यूटोरियल में हम बात करने वाले हैं एडोब इलस्ट्रेटर के अंदर जो 3D इफेक्ट का या 3D का ऑप्शन अवेलेबल है उसके बारे में कि ये किस तरह काम करता है। तो चलिए सीखते हैं। फ्रेंड्स, 3D इफेक्ट अप्लाई करने के लिए सबसे पहले मैं यहां पर एक टेक्स्ट लिख लेता हूं, कोई भी रैंडम वर्ड या टेक्स्ट आप लिख सकते हैं। टेक्स्ट सेलेक्ट कर लें, जाएं इफेक्ट 3D एंड फर्स्ट ऑप्शन है एक्सट्रूड एंड विबल, तो इसे देखते हैं। क्लिक करते ही यहां पर एक 3D एक्सट्रूड एंड विबल ऑप्शन का पैनल ओपन हो गया है जहाँ पे हमें बहुत ढेर सारे ऑप्शंस दिख रहे हैं। तो देखते हैं क्या है ये। जो फर्स्ट ऑप्शन है वो है पोजीशन से रिलेटेड, मींस एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। एंड यहाँ पर आपको जो ये स्क्वायर बॉक्स दिख रहा है वो है फ्रंट, एंड ग्रे जो दिख रहा है वो है बैक। आप एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस को जीरो कर दें अगर, तो ये फ्रंट हो जाएगा। एंड विथ शिफ्ट अगर मैं इसे रोटेट करता हूँ तो ये स्ट्रेट रोटेट होगा, मींस ये अप एंड डाउन नहीं होगा अभी, ओके। एंड अगर मैं विद शिफ्ट अप एंड डाउन करूं तो ये लेफ्ट एंड राइट नहीं होगा अभी, ओके। यहां पर कोई भी इफेक्ट अप्लाई नहीं हो रहा है, तो लाइव चेंजेस देखने के लिए हमें यहां प्रीव्यू ऑन करना पड़ेगा। एंड जैसे ही मैं प्रीव्यू ऑन करता हूं, यहां पे आप देख सकते हैं कि जो हमारा नॉर्मल 2D फॉन्ट था वो 3D लुक के साथ दिखाई दे रहा है। यहां पे एक एक्सट्रूड हो गया है इसका जेड एक्सिस, अगेन जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है एक्सट्रूड एंड विबल का। लाइक अभी जो एक्सट्रूड है वो है 50 पॉइंट, एंड आप इसे इंक्रीज कर सकते हैं विथ स्लाइडर और विथ वैल्यूज। मैं इसे लगभग 70 करता हूं अभी, एंड आप देख सकते हैं यहाँ पे डेप्थ इंक्रीज हो गया है। आप इसे इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो कैप का ऑप्शन है वो है टर्न कैप ऑन एंड टर्न कैप ऑफ। तो अगर मैं ऑफ करता हूं तो ये आपको हॉलो दिखाई देगा यहाँ पर, एंड अगर मैं ऑन करता हूं तो यहाँ पे ये क्लोज शेप रहेगा, ओके। आपको कोई भी लाइक हॉलो सिलेंडर या कुछ क्रिएट करना है तब आप इसे ऑफ कर सकते हैं, अदरवाइज ये क्लोज रहेगा। नेक्स्ट विबल, यहाँ पे बहुत सारे सेटिंग्स दिए हैं विबल के, लाइक कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स टू, क्लासिक। अभी फिलहाल हम क्लासिक अप्लाई करते हैं एंड क्या चेंजेस आते हैं वो देखते हैं। मैं इसे फ्रंट कर देता हूं, आप देख सकते हैं नन एंड क्लासिक में डिफरेंस। एंड मैं विबल का साइज इंक्रीज कर सकता हूं यहां पे विथ ऑप्शन हाई, एंड यहां पे जो नेक्स्ट ऑप्शन है वहां आप देख सकते हैं कि यहां पे ऑप्शंस दिया हुआ है विबल एक्सटेंड आउट और इन। तो विबल इनसाइड और आउटसाइड का ऑप्शन है अप्लाई करने का। एंड अगेन सरफेस, तो सरफेस पे आते हैं तो शेडिंग मिलती है यहाँ पे हमें, तो टाइप ऑफ शेडिंग जो दी है लाइक वो वायर फ्रेम सिंपल, अगेन नो शेडिंग, डिफ्यूज शेडिंग एंड प्लास्टिक। प्लास्टिक जो है वो हमें ग्लॉसी लुक देता है थोड़ा सा ऑब्जेक्ट्स पे। यहाँ पे बहुत सारे डिफॉल्ट पोजिशन ऑप्शन भी दिए हैं लाइक फ्रंट, बैक, लेफ्ट, राइट, आप इनमें से कोई भी अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे बाई डिफॉल्ट। अगेन यहाँ पे आते हैं नेक्स्ट, तो हमें मिलता है मैप आर्ट, मोर ऑप्शन एंड ओके का ऑप्शन। तो ओके करने से ये पैनल क्लोज हो जाएगा, तो हम क्लिक करते हैं मोर ऑप्शन पे। मैं यहाँ हाइट कम कर देता हूँ फुटबॉल का, एंड यहाँ जैसे ही हम आते हैं तो हमें मिलता है लाइट इंटेंसिटी। अगर आपको लाइट की इंटेंसिटी कम या ज्यादा करनी है तो आप कर सकते हैं एम्बियंट लाइट, हाई लाइट इंटेंसिटी। अगेन ज़्यादा चेंजेस नहीं है यहाँ पे, आप इनको देख सकते हैं। ब्लेंड स्टेप लाइक 25, जो भी 3D इफेक्ट लाइक 2D जो 3D में कन्वर्ट होता है, तो इन बिटवीन जो स्टेप्स हैं लाइक एक्सट्रूड के स्टेप्स इस केस में, तो वो 25 है। अगर मैं कुछ राउंड में क्रिएट कर रहा हूँ या फिर मैं ये स्टेप्स इंक्रीज करता हूँ लाइक 50, तो स्मूथनेस बढ़ जाएगा, बट इट विल ऑल्सो मेक योर फाइल हैवी एंड
शेडिंग कलर, लाइक अभी जो बाय डिफॉल्ट है वो शेडिंग कलर है ब्लैक, मैं चाहूँ तो नन यूज करूँ, मीन्स कोई भी शेडिंग कलर यूज नहीं होगा, एंड कस्टम में मैं कोई कलर ले सकता हूँ। एंड यहाँ पर अगर आए हम तो ये है लाइट, ओके तो लाइट का पोजीशन अगर मैं चेंज करना चाहूँ, लाइक मैं चाहता हूँ कि लाइट इस तरफ से हो या फिर बॉटम से हो, टॉप से हो, तो मैं पोजीशन चेंज कर सकता हूँ। एंड मैं मल्टीपल लाइट क्रिएट कर सकता हूँ, लाइक मैं एक और लाइट ऐड करना चाहता हूँ तो मैं कर सकता हूँ, बिल्कुल नहीं चाहिए डिलीट, ओके। एंड जो ये ऑप्शन है वो है लाइट को पीछे रखने के लिए, मीन्स सेंड लाइट बिहाइंड द शेप, तो मैं क्लिक करता हूँ तो ये जो लाइट है वो पीछे चली गई है, अगेन क्लिक एंड ये आगे आ जाएगा, ओके फ्रेंड्स। तो चलते हैं, यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ ओके। नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो है रिवॉल्व का, तो इसे हम यूज करते हैं कुछ क्रिएट करने के लिए, तो देखते हैं कि हम रिवॉल्व को यूज करके क्या क्रिएट कर सकते हैं। तो ये मैंने एक बॉटल का प्रोफाइल ड्रॉ कर लिया विद द हेल्प ऑफ पेन टूल, और हम जाते हैं इफेक्ट में, मेरा शेप जो है वो सेलेक्टेड है, 3D एंड रिवॉल्व प्रीव्यू, यहाँ पे मुझे बाय डिफॉल्ट कुछ ऐसा शेप मिलता है, तो आपको सबसे पहले जाना है फ्रॉम लेफ्ट एज को करना है राइट, एंड यहाँ पे जो हमने क्रिएट किया था वो शेप आपको मिल जाएगा। शेप को बाद में भी मॉडिफाई कर सकता हूँ, हम आगे देखेंगे मैंने जो शेप क्रिएट किया है इसको कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं, ओके। तो बाकी सारे ऑप्शन जो पोजिशन से रिलेटेड है, परस्पेक्टिव से रिलेटेड है, एंगल से, वो सारा कुछ सेम है, तो मैं प्रेस करता हूँ यहाँ पे ओके। एंड अब अगर हमें इसे मॉडिफाई करना है तो देखते हैं कि क्या ऑप्शंस हैं। जस्ट मैं पेन टूल लेता हूँ या फिर डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेता हूँ, एंड मुझे इसकी थिकनेस इंक्रीज अगर करनी है, तो मैं इसे मॉडिफाई कर सकता हूँ। अगेन एक और एग्जांपल, इफेक्ट 3D एंड रिवॉल्व, अगेन राइट एज एंड ओके, जो चेंजेस आपको लगते हैं आप अप्लाई करें। इसकी थिकनेस इंक्रीज करने के लिए मैं स्ट्रोक की साइज इंक्रीज कर सकता हूं, आप देख सकते हैं यहां पे सेलेक्ट एंड इंक्रीज लगभग 8 कर लेते हैं, एंड नेक्स्ट। एंड सेलेक्ट, एंड मैं इसे रिवॉल्व नहीं करने वाला, क्योंकि अगर मैं इसे रिवॉल्व करता हूं तो हमें कुछ ऐसा आउटपुट मिलेगा, या फिर मैं अगर लेफ्ट साइड से करूं तो ऐसा आउटपुट मिलेगा जो मुझे नहीं चाहिए, तो इस हैंडल को क्रिएट करने के लिए मैं जाऊंगा इफेक्ट 3D एंड एक्सट्रूड में, तो हमें कुछ ऐसा शेप मिल रहा है, तो हम इसे पहले इसका एंगल सेट कर लें, ऐसा, एंड हमें ये चाहिए राउंड में, तो एक्सट्रूड एंड विबल के बाद आप जा सकते हैं विबल ऑप्शन में, एंड यहाँ पे आपको मिलेगा ऑप्शन राउंडेड, मैं इसे राउंडेड करता हूँ, एंड अगेन राउंडेड करने के बाद जो आपका विबल है वो अप्लाई हो रहा है विबल एक्सटेंड इन में, हमें चाहिए आउट में, ओके। एंड हम यहाँ पे एक्सट्रूड डेप्थ कुछ कम या ज्यादा करके देख सकते हैं, लाइक फिलहाल मैं इसे 20 करता हूँ, एंड हाइट मैं इंक्रीज करता हूँ थोड़ा सा अराउंड 10,
ओके ठीक है, आप इसके साथ इन वैल्यूज के साथ और एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। एंड हम इसे सेंड करते हैं अरेंज एंड सेंड बैक, हमें ये बैक में चाहिए। ओके आप शेप्स को मॉडिफाई कर सकते हैं, आप हमेशा ध्यान रखें इस बात का कि मैं क्रिएट करने के बाद भी शेप मॉडिफाई कर सकता हूं। तो अगर आप अपने शेप से सेटिस्फाई नहीं है तो आप उसके साथ एक्सपेरिमेंट या उसे मॉडिफाई कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। एंड नेक्स्ट जो शेप हमें क्रिएट करना है वो है प्लेट। थोड़ा सा कर्व क्रिएट करने के लिए मैं एंकर पॉइंट टूल सेलेक्ट करता हूँ एंड यहाँ पे मैं इसे थोड़ा सा कर्व क्रिएट कर देता हूँ। एंड अगेन स्ट्रोक की वैल्यू कम कर दें क्योंकि लास्ट हमने इंक्रीज किया था, ऑलमोस्ट 2 है। एंड मैं जाता हूँ इफेक्ट 3D एंड रिवॉल्व फ्रॉम राइट एज एंड ओके। तो अगर आपको ये ठीक ना लगे तो आप इससे मॉडिफाई कर सकते हैं। आई थिंक हमें यहाँ पे एक एंकर पॉइंट और ऐड करना चाहिए एंड इसे थोड़ा सा ऐसा लुक देने हैं। ओके एंड हम इसे सेंड करते हैं बैक कुछ इस तरह। अगेन एक शेडो क्रिएट करने के लिए मैं लेता हूं शेप विथ ब्लैक कलर फिल इफेक्ट ब्लर गॉशियन ब्लर प्रीव्यू ऑन और हम इसे थोड़ा सा और ब्लर करते हैं विथ लगभग 20 19 एंड सेंड करते हैं इसे अरेंज एंड सेंड बैक वन फ्रंट ओपेसिटी आप सब इसे कम कर लो। तो यहाँ पे विद द हेल्प ऑफ 3D ऑप्शन इन इलस्ट्रेटर हमने ये शेप क्रिएट किया, बहुत ही इजीली क्रिएट कर लिया, बहुत ही इजीली क्रिएट कर लिया। तो आई होप कि आपको एक्सट्रूड वेबल एंड रोटेशन टूल समझ आ गया होगा। नेक्स्ट ऑप्शन हम देखते हैं जो है वो है रोटेट का। तो रोटेट आपको यूजफुल है, नथिंग मच, कुछ ज्यादा नहीं होगा उससे, आप सिर्फ किसी शेप को 3D में रोटेट कर सकते हैं। तो रोटेट प्रीव्यू ऑन एंड मैं यहाँ पे इसे इस तरह रोटेट कर सकता हूँ जिस एक्सिस में जाता हूं। तो आई होप कि आपको एक्सट्रूड एंड वेबल रिवॉल्व एंड रोटेशन समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं कि अगर मुझे इस शेप पे या इस कप पे कोई टेक्सचर फिल करना है या कुछ लगाना है आर्ट, तो क्या मैं वो कर सकता हूं। तो ऐसा नहीं है कि मैंने एक बार शेप ओके कर दिया तो ये फाइनल है, अभी भी हम इसमें मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं। आपको जाना है अपने अपीयरेंस पैनल में, अगर ये ओपन नहीं है तो आप जाइए विंडो में अपीयरेंस, Shift F6 शॉर्टकट है एंड आप जाए यहाँ पे 3D क्लिक एंड मैं वापस से वहीं आ जाऊंगा प्रीव्यू एंड यहाँ पे एक ऑप्शन जो रह गया था वो है मैप आर्ट का। तो मैं मैप आर्ट में आता हूँ एंड नेक्स्ट यहाँ पे हमारा कब सेलेक्ट हो गया है
ये जो रेड वायर फ्रेम है वो आपको दिखाता है कि आपका कौन सा पार्ट शेप का सेलेक्टेड है। एंड यहाँ पे बहुत सारे सिंबल्स हैं, तो कुछ ऐसा सिंबल नहीं है जो मैं इस पर अप्लाई करूँ, तो हम एक सिंबल क्रिएट कर लेते हैं जल्दी से। तो फिलहाल मैं एक रेक्टेंगल क्रिएट कर रहा हूँ जो हम इस कप पे लगाएंगे, एंड इसे आपको कन्वर्ट करना है सिंबल में। तो जो सबसे आसान तरीका है वो ये कि आप जाएं विंडो में एंड आप ओपन करें सिंबल पैनल एंड ड्रैग करें ये शेप इसके अंदर, एंड अगर आप चाहें तो आप इसे रीनेम कर लें। ओके, तो ये यहाँ पे आ गया है। एंड अगेन सेलेक्ट करें शेप 3D, जाएं अपीयरेंस पैनल में 3D रिवॉल्व के अंदर, ऑन करें प्रीव्यू मैप आर्ट कप, एंड यहाँ पे हमारा शेप है। तो ये यहाँ कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, तो हम इसे करते हैं क्लियर। आप जाएं नेक्स्ट 3, अगेन कप हाईलाइट है, आप यहाँ पे अगेन प्लेस करें और ये यहाँ पर और ये यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा। फ्रेंड्स, ये बेसिक शेप मैंने लिया है, तो आप कोई भी फ्लोरल आर्ट, टेक्सचर, टेक्स्ट, कोई भी शेप सिंबल में कन्वर्ट करके उसे किसी 3D ऑब्जेक्ट पे जो आपने क्रिएट किया है इलस्ट्रेटर के अंदर उस पर अप्लाई कर सकते हैं। एंड लाइट मैच करने के लिए आप ऑन कर सकते हैं शेड आर्टवर्क, तो जो कप है और जो आपका शेप है, लाइक जो आपने सिंबल क्रिएट किया है, वो दोनों का लाइट मैच हो जाएगा। एंड इफ इन एनी केस आपको ये शेप नहीं चाहिए, बस सिंबल चाहिए, तो आप इनविजिबल ज्योमेट्री अप्लाई कर सकते हैं इस पे, एंड जो बेसिक शेप होगा वो इनविजिबल हो जाएगा या रिमूव हो जाएगा, एंड जस्ट ये टेक्सचर या सिंबल जो हमने यूज किया है वो रहेगा। ओके, तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब जो मैंने एक इनविजिबल कर सकते हैं बोला, उसे भी हम देख लेते हैं जल्दी से, वीडियो काफी लंबा हो चुका है आई थिंक। तो मैं जल्दी से एक शेप क्रिएट करता हूं, हमें चाहिए सेमी सर्कल, एंड इसके लिए मैं कोई टेक्सचर विथआउट मैं डुप्लीकेट क्रिएट करता हूं। ओके, एंड इसे हम कन्वर्ट करते हैं सिंबल में, तो सेलेक्ट कर लें, ओपन कर लें सिंबल एंड ड्रैग कर दें इसे, तो ये कन्वर्ट हो गया सिंबल में। मुझे सेमी सर्कल चाहिए, सेलेक्ट योर शेप इफेक्ट 3D एंड रिवॉल्व एंड राइट। तो ये हमारा हो गया शेप, एंड इस शेप पे जो टेक्सचर या जो सिंबल क्रिएट करना है, लगाना है, वो देखते हैं। अब जाएं मैप आर्ट में, एंड वन ऑफ वन यहाँ पे दिखा रहा है, मैं जाता हूँ जो मैंने क्रिएट किया है, लाइक हम इसे रिसाइज कर लेते हैं कुछ इस तरह। ओके, यहाँ पे, एंड अगर लाइट मैच करना है तो शेड आर्टवर्क, एंड अगर मुझे ये शेप नहीं चाहिए जैसा कि मैं बोल रहा था, तो आप यूज करें इनविजिबल ज्योमेट्री एंड ओके। तो इस तरह आप किसी भी सिंबल को 3D शेप पे वॉर्प कर सकते हैं, एंड आई होप कि आपको तीनों ऑप्शन समझ आ गए होंगे। बट अगर अब भी कोई डाउट है तो आप उसे प्लीज कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं, एंड मैं ट्राई करूंगा उसका रिप्लाई करने का। तो अगर आपको मेरा चैनल हेल्पफुल लगता है और आप यहाँ से कुछ सीख रहे हैं, तो प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें मेरे चैनल को अपने दोस्तों के साथ, एंड सीखते रहिए। अपना ख्याल रखिए, बाय बाय।